में सीएम नीतीश कुमार के दौरे से पहले ही लगातार विरोध शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि विकास नहीं होने से नाराज धमदाहा प्रखंड के सिंघारा पट्टी, किशनपुर बलुआ पंचायत और बिशुनपुर पंचायत के स्थानीय लोगों ने एनएच को जाम कर प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 15 सालों में यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है, इसलिए विरोध किया जा रहा है। सरकार घर घर बिजली पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन अभी तक यहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। दोनों ही पंचायत के हजारों लोगों ने 5 किलोमीटर तक जमकर सड़क को जाम किया और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सिंघाड़ा पट्टी के कुकरन जाने वाली सड़क पर मंत्री लेसी सिंह ने पुल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक पुल बनाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने मांग पूरी होने तक सड़क जाम की चेतावनी दी। हालांकि जाम की खबर डीएसपी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया गया, लेकिन लोगों ने मांग पूरी नहीं होने पर फिर से सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। और तस्वीरें आपके सामने है। पूर्णिया जिले में समाधान यात्रा को लेकर पहुंचने की फिराक में थे सीएम नीतीश कुमार, लेकिन उससे पहले ही देखें विरोध किस तरह से लोगों द्वारा किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान सरकार वादे करती है, दावे करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाता है सरकार बन जाती है। सरकार लोगों के बीच पहुंचती नहीं है और ना ही उनके बीच जाकर उन वादों को पूरा करने का काम करती है। इसी के संदर्भ में ये विरोध किया जा रहा है। और साथ ही जब इस जाम को खत्म कराया गया, विरोध को रुकवाया गया, तो साफ तौर पर इन लोगों ने कहा है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो विरोध आगे भी किया जाएगा। रुकने वाले नहीं है, जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो सरकार को इसका जवाब देना होगा। आगजनी कर प्रदर्शन किया गया, समाधान से पहले घमासान मचा हुआ है। दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और ज्यादा जानकारी देंगे पूर्णिया से हमारे संवाददाता प्रफुल्ल झा। प्रफुल्ल, फिलहाल लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, मुख्यमंत्री का 10 तारीख को पूर्णिया का दौरा होना है और पूर्णिया का दौरा जो है वो धमदाहा बिशनपुर जो गांव है वहां पे मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के तहत आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के आने से पहले लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने टायर जला के और जो है वहां की जो समस्या है उस समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन दिया है, वहां पे आगजनी किया है। लोगों में काफी आक्रोश है। जो उनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री है उनके पास जो समस्या जाती है उनका समाधान नहीं हो पाता है। बिजली की समस्याओं से लोग ग्रसित हैं, वहाँ पे कई वर्षों से बिजली नहीं आ रही है। वहाँ के सांसद हैं, स्थानीय जो विधायक हैं उनको कई बार कहा गया है, लेकिन इनकी जो शिकायत है वो नहीं सुनी जा रही है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। बाद में पुलिस से बीच बचाव करते हुए इस पूरे मामले को शांत कराने का प्रयास किया है। ग्रामीणों का सीधे तौर पर आरोप है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो इस गाँव का कायाकल्प होना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों कटिहार में भी जिस तरह से समाधान यात्रा के बाद वहाँ पे विरोध का प्रदर्शन हुआ था और यही सिचुएशन अब पूर्णिया में भी हो रहा है। पूर्णिया में धमदाहा के बिशनपुर में मुख्यमंत्री का 10 फरवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम है और उससे पहले लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पूजा, ये भी जानना चाहूंगी प्रफुल्ल आपसे कि लोग विरोध तो कर रहे हैं, क्या मांगे क्या हैं, क्या करवाना चाहते हैं? स्थानीय समस्याएं हैं वहाँ पे, बिजली की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोग काफी आक्रोश में। बिजली का जो पोल है वो कई वर्षों से गड़ा हुआ है, लेकिन जो बिजली है वो नहीं पहुंची है। कई अन्य समस्याएं हैं, पीने का जो नल जल योजना के तहत में जो नल जल योजना जो पहुंची थी वो सही सुचारू रूप से काम नहीं चल रही। ऐसे अनगिनत समस्याओं जिसको लोगों को लेकर काफी आक्रोश और मुख्यमंत्री से मिलने की भी गुहार लगा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री कल आते हैं तो अगर लोगों की समस्याओं को से रूबरू मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तो हो सकता है कि ये जन आक्रोश कहीं बढ़ता जाए। हालांकि अभी जो पुलिस है, जो प्रशासन के जो स्तर के अधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वो देख रहे हैं कि इस पे जो है कहीं कुछ ऐसा नहीं हो जाए, लोगों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रफुल्ल, देखिए लोगों को फिलहाल तो शांत करा दिया गया, लेकिन जब कल वहाँ पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि व्यवस्था इस प्रकार की हो कि जब नीतीश कुमार वहां पर हो तो किसी तरह का कोई विरोध ना किया जाए। इसको लेकर प्रशासन को भी मुस्तैद होने की जरूरत है। देखिए, पूर्णिया में जिस तरह से नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम है तो प्रशासन ऐसे चप्पे चप्पे पे नजर बनाए हुए है। कई जगह शहर में भी बैरिकेडिंग जो है वो बना के सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। और जहाँ धमदाहा बिशनपुर में जो प्रोग्राम है वहाँ पे भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और उन सभी जो ऐसे जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है। और प्रशासनिक तौर पर आप कह सकते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार के रैली में विरोध प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है
पिछले कुछ दिनों से, उसको देखते हुए पूर्णिया की प्रशासन जो भी है वो भी अलर्ट मोड में है और पूरी तरह से गश्ती जो है वो बढ़ाई गई है। पूजा बिल्कुल देखिए, समाधान यात्रा के जरिए कोशिश की जा रही है लोगों की परेशानियों का समाधान हो। तो क्या आज जो ये विरोध किया जा रहा है, इस तस्वीर को जब टीवी स्क्रीन पर देखेंगे नीतीश कुमार, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि कल जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो समस्याओं का समाधान वाकई होगा? बिल्कुल, देखिए जो समस्याओं का जो है, नीतीश कुमार कई योजनाओं को लेकर जो वहाँ पे शिलान्यास करेंगे, वहाँ के गांव के कायाकल्प कितना हुआ है उस पर नजर बनाएंगे।